Like, share, subscribe, and click on the bell icon to never miss an update from Epic. कहते हैं ना, change is the only constant. जैसे जैसे वक्त गुजरता है सब कुछ बदल जाता है. थोड़ा सा आगे निकल जाओ तो कुछ पीछे छूट जाता है. लेकिन एक कड़ी है जो हमें जोड़े रखती है, जो हमें याद दिलाती है that we are all connected to the same land. और वो है हमारे त्योहार और उनसे जुड़ा खाना. और यही है त्योहार की थाली. इसमें भी नहीं है. कहाँ रखा है? खत्म तो नहीं हो गया? होना तो नहीं चाहिए. इसमें कैसे होगा यार? पिछली बार मेरे फ्रेंड्स आए थे तो 3 पैकेट थे. मिल गया. ये ढूंढ रही थी, पापड़. आज सुबह से ही मुझे पापड़ खाने की ना तलब सी लग रही थी. मुझे लग रहा था कि बस फटाफट पापड़ सेकूं और खा लूं. मिले ही नहीं. एक्चुअली आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं सिंधी कल्चर और ट्रेडिशंस को सेलिब्रेट करूंगी. और सिंधी खाना और पापड़, मतलब जैसे ब्रेड और बटर का साथ, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं. लेकिन इसे मैं ऐसे नहीं खाऊंगी, थोड़ी सी सजावट करके खाऊंगी. इन अदर वर्ड्स, मसाला पापड़ बना के खाऊंगी. मैंने इसमें प्याज, टमाटर, धनिया, सेव और थोड़ा सा चाट मसाला. क्या बात है, लाल मिर्च डालू. आज सुबह जब ये ख्याल मेरे मन में आया ना कि मैं सिंधी कल्चर और ट्रेडिशंस को सेलिब्रेट करूं, तो मैंने एक ऐसे शख्स के बारे में पढ़ा जिनका सोचने का तरीका, जिनके विचार बाकी सबसे बहुत अलग हैं. उनके बारे में भी बताऊंगी. पहले जो खाना बनाना है उसकी तैयारी कर लूं थोड़ी. तो आज मैं बनाने वाली हूं वैष्णव भाजी. और उसके लिए बहुत सारे स्टेप्स हैं, बहुत सारी चीज़ें चाहिए. तो एक बार मैं डायरी में नज़र मार के चेक कर लेती हूँ. ओके, टमाटर की प्यूरी, पनीर, गाजर, मखाने, मटर. तो सबसे पहले तो गाजर ही काट ली जाए. तो जिन शख्स की मैं बात कर रही थी ना, उन्हें मुस्लिम कम्युनिटी के लोग शेख ताहिर के नाम से बुलाते हैं. अच्छा, हिंदू धर्म के लोग इन्हें बुलाते हैं उढ़ेरो लाल. लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग इन्हें लाल शाहबाज कलंदर के नाम से जानते हैं. मैं बात कर रही हूँ झूले लाल की. बुल्ले शाह का ना एक बहुत ही पॉपुलर फोक सॉन्ग है, दमादम मस्त कलंदर. तो इसमें भी झूले लाल का ही जिक्र है. मुझे मिर्ची काटनी है. लेकिन ये मिर्ची काटते समय ना मुझे याद आ रहा है कि मुझे एक छोटा सा सरप्राइज भी देना है. पहले मैं
ये पनीर काट लेती हूँ और मैं टमाटर की प्यूरी भी लेकर आई हूँ जो मुझे थोड़ी देर में लगेगी। घी गरम करने के लिए रख देती हूँ। पहले मैं इसमें थोड़ा सा गाजर सॉटे कर लेती हूँ। जैसे ही मैंने ये डिसाइड किया ना कि आज मैं झूलेलाल को सेलिब्रेट करूँगी, मैंने अपनी दोस्त श्वेता को फ़ोन कर दिया। श्वेता केसवानी वैसे इंडिया में नहीं रहती लेकिन इन दिनों आई हुई है, तो मैंने उसे बुला लिया। मैंने कहा आ जाओ साथ में मिलकर कुछ अच्छा सिंधी खाना बनाएंगे और झूलेलाल की बातें करेंगे और उन्हें सेलिब्रेट करेंगे। ये मैं निकाल लेती हूँ। अब मैं इसमें पनीर सॉटे करती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा घी और चिकन, वरना पनीर जो है वो चिपक जाएगा। झूलेलाल का जन्म पे नाम ना उढ़ेरोलाल रखा गया था क्योंकि उनका जन्म पानी के पास हुआ था, या ऐसा भी कहा जाता है कि पानी से ही उनका जन्म हुआ था। लेकिन उनका नाम झूलेलाल इसलिए पड़ गया क्योंकि जब वो छोटे से बच्चे थे ना, तो उनकी माँ ने उन्हें सुलाने के लिए एक झूले में लिटाया था, जैसे बच्चों को सुला देती है ना, तो वो झूला अपने आप झूलने लगा। अब छोटा सा बच्चा तो खुद ऐसा कर नहीं सकता, ये देखकर ही उनका नाम उढ़ेरोलाल से झूलेलाल हो गया। सो नाइस। ये पनीर हो चुका है, इसे निकाल लेती हूँ। ओके, इसमें भी घी जाएगा। ओके, अब इसमें मसाले, तेजपात और लौंग, दालचीनी, दो इलायची और इसमें जाएगा ये अदरक का पेस्ट, ये ऑलमोस्ट एक बड़ा चम्मच। अब इसमें जाएगा ये कटी हुई हरी मिर्च। और हाँ, मेरा सरप्राइज, घर की लाल मिर्च, इसको भी मैं डाल देती हूँ। ये मटर ना मैंने वैसे उबाल के रखे हैं, लेकिन थोड़ा सा इसे और पका लेती हूँ। टमाटर की प्यूरी, अब इसमें थोड़े से मसाले और जाएंगे, जैसे लाल मिर्च, गरम मसाला और हल्दी और नमक। अब इसमें पानी डाल देती हूँ मैं। तो झूलेलाल को सिंधी कम्युनिटी का इष्टदेव माना जाता है। सिंधी कम्युनिटी जो है वो बेसिकली बिलोंग करती है सिंध रीजन को। वहाँ की ना एक कहानी है जो झूलेलाल से जुड़ी हुई है। तो हुआ यूँ था कि सिंध रीजन का जो राजा था वो बड़ा ही कठोर राजा था, एकदम खूंखार, अपनी मनमानी करने वाला, लोगों को परेशान करता था। तो उस कठोर राजा का नाम था मिराक्षा, और उसने ये आदेश दिया कि सिंध रीजन में सबको इस्लाम फॉलो करना पड़ेगा। तो जो लोग इस्लाम फॉलो नहीं करते थे वो लोग बहुत डर गए और उन लोगों ने अपने देवता की पूजा शुरू कर दी, मतलब वरुण देवता को वो लोग मानते थे, उनकी पूजा शुरू कर दी। 40 दिन तक पूजा करने के बाद वरुण देवता एक रूप में प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि मैं एक बच्चे के रूप में जन्म लूँगा और तुम सबकी मदद करूँगा। तो खैर, उसके बाद जब चैत का महीना आया, उसकी पहली तारीख को उस बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया उढ़ेरोलाल। इसमें एक अच्छा सा उबाल आ गया है, इसमें मैं डाल देती हूँ भीगे हुए काजुओं का पेस्ट। क्या मैजिक हुआ ना, एकदम से ग्रेवी इसकी थिक हो गई है। और अब मैं इसमें डाल देती हूँ गाजर
और मखाने जो मैंने भून के रखे हैं। ओके, मखाने सुरेखा ने भून के रखे हैं। तो जैसे ही मिरक्षा को पता चला कि इस बच्चे का जन्म हो गया है, उसने उस बच्चे को मारने का आदेश दे दिया। उसके लोग निकल पड़े बच्चे को मारने के लिए। तो पता है भगवान ने क्या किया? उन्होंने सारे गांव वालों को इकट्ठा किया। सब लोग झूलेलाल के घर पे आ गए। तो भगवान ने मिरक्षा के महलों पर बिजली गिराई। सब कुछ तहस नहस हो गया और मिरक्षा से बोला, ये सब कुछ जो है वो सब ऊपर वाले का ही तो है, तो फिर क्या हिंदू और क्या मुसलमान, सब एक हैं। तब जाकर मिरक्षा को ये बात समझ में आई और उसने सिर्फ इस्लाम को फॉलो करने का अपना आदेश वापस ले लिया। और अब इसमें मैं डाल देती हूँ ये पनीर, सूखा धनिया और एक चुटकी कसूरी मेथी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। रेडी। इसे मैं इसमें निकाल लेती हूँ। इतना स्मूथ इसका ये पेस्ट तैयार हुआ है ना। ये थोड़ा सा धनिया सजावट के लिए लगाऊंगी मैं। नाइसली डन। माँ के लिए तस्वीर। कायदे से तो मुझे श्वेता के लिए रुकना चाहिए क्योंकि वो खाने पे आ रही है और चावल के साथ खाना चाहिए, लेकिन चखना तो बनता है क्योंकि पता कैसे चलेगा कि कैसा बना है। माफ करना श्वेता, बट आई हैव टू डू दिस। ब्यूटिफुल, आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा हो गया तुझे देखे। So nice you're looking यार, वैसी की वैसी है तू। तेरे लिए लाई हूँ। न्यूयॉर्क से? चंद्रू से। सेव की बर्फी है। अरे यार, thank you so much। मुझे पता था तुझे ये बहुत अच्छी लगेगी। वो तो मुझे अच्छी लगती है, लेकिन ये तुझे भी बहुत पसंद है, इसीलिए तू लेकर आई है ना। सॉरी, क्या करूँ। चल ठीक है, सबसे पहले तो मैं ही खा के देखती हूँ। यार अरसा हो गया इसे खाए हुए। वही टेस्ट है बिल्कुल। सो नाइस, थैंक यू सो मच। और क्या प्लान है आज? प्लान ये है कि मैंने सोचा है कि आज मैं तेरे साथ मिलके ना सिंधी कल्चर और ट्रेडिशंस को सेलिब्रेट करूंगी। सिंधी खाना बनाऊंगी। क्या आइडिया है। और क्योंकि मैंने तुझे बुलाया है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि तुझसे भी मैं कुछ कुछ। एक सेकंड, ये गलत बात है। मैं जाके सो रही हूँ, मुझे काम वाम नहीं करना। नहीं, तू कहीं नहीं सो रही। मैं वहाँ पे बहुत काम करती हूँ, यहाँ मत करवा। थोड़ा यहाँ पे भी कर सकती है, आ जा। मैं थोड़ा सा करवाऊंगी, ज्यादा नहीं करूंगी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये क्या है? ये क्या मतलब? दिस इज वैष्णव भाजी। अच्छा, इसके साथ क्या बनाएगी? यू गाइस मेक दैट स्पेशल राइस ना, वो लहसुन वाला, यार व्हाट इज इट कॉल्ड? थूम के जावरण। एग्जैक्टली, बनाने आते हैं। हाँ, मैं ये लहसुन भी लेकर आई। साक्षी, कुछ ही सालों में हमारे बाल भी ऐसे ही लगेंगे। श्वेता, मैं अभी इन रेशों की ना तारीफ करने वाली थी, तूने मेरे को बिल्कुल मतलब बुढ़ापे की याद दिला दी यार। अच्छा सॉरी, क्या करना है इसका? इसको मैं चॉप करती हूँ, तो एक काम कर। क्या करूँ? चावल बन जाएगा, ये बन जाएगा, दैट शुड बी एनफ। सेकंड, नहीं, हाँ, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। कुछ तो साइड डिश चाहिए। मिठाई खिलाएगी क्या साइड में? साइड डिश चाहिए तुझे? हाँ, कुछ तो होना चाहिए। दिल कर रहा है यार कुछ खाने का, इतने टाइम। एक काम करना, बना लेना यार कुछ। तू काम ही करा बस मुझसे। अरे तू वहाँ पे काम करती है ना, यू कुक फॉर एसी एंड कैन, तो तू मेरे लिए भी थोड़ा सा कुक कर सकती है। मैं आती हूँ छुट्टी मनाने के लिए, काम करने के लिए नहीं। चल ठीक है, आलू टुक अरबी टुक क्या है घर पे? आलू टुक तो हम बहुत खाते हैं, आंटी ने बहुत खिलाया, तो अरबी टुक खाते हैं। अरबी है घर में? है ना, वो देखो। चलो अरबी टुक तो यहाँ है। हाँ, और वो ऊपर पैन है वो रेड वाला, वो ले ले। मैं जरा इसकी खबर लेती हूँ। अच्छा, व्हाट डू यू हैव? चाय, कॉफी? चाय, अदरक वाली। मुझे लगा था तो कुछ भी नहीं बोलेगी। अब बना देती हूँ, रुक जा। यार पौधे बहुत अच्छे लगाए हैं, है ना? ये मिर्ची का पौधा है? हाँ, असली है।
अरे हाँ असली है, आज मैंने इसमें भी डाला है, वैष्णो भाजी में भी वहां से मिर्ची तोड़ के डाली है। अच्छा ये आपकी अदरक वाली चाय तैयार हो रही है, कितनी चिकनी आ रही है ना। ओके ये आई थिंक पानी गर्म हो गया है, इसमें अच्छा सा स्टीम निकल रहा है ये तो उसमें। अच्छा मैंने ना अभी रिसेंटली झूलेलाल की एक तस्वीर देखी थी जिसमें वो एक मछली पे बैठे हुए थे। हाँ, तो वो उसका वाहन है उनका। ओ लाइक ऑफिशियल ऑफिशियल वाहन है। हाँ हाँ बिल्कुल। ओ क्योंकि हिल्सा मच्छी ना वहाँ सिंधु नदी में पाई जाती थी। ओके और लोग उसे पालते भी थे। ओ अच्छा, उनके लिए बहुत सिग्निफिकेंट थी। अरे हाउ नाइस यार। ओके श्वेता। हाँ बस ये हो गया भाई, चावल बन गए। चावल नहीं बने, चावल मैं इसके बाद बनाऊंगी। हाँ ठीक है, मैं जरा चावल निकाल लेती हूँ। रंग बदल दिया तूने? हाँ यार, थोड़ा अलग अलग होता रहे तो अच्छा है ना। फ्रेश लगता है मुझे बहुत। आई एग्री, मुझे भी अच्छा लगा। आई थिंक इट्स डन, इसको मैं वहीं रख देती हूँ अंदर। तू निकालेगी ना ध्यान? हाँ, से हाँ। सही जगह पे रखे हैं ये। श्वेता दो कटोरी मतलब दो कप चावल इज इनफ ना? यार बहुत है यार, मैं तो बहुत थोड़ा खाऊंगी राइस। मैंने इसमें ना 3 चम्मच के करीब घी डाला है। नाउ आई विल पुट जीरा एंड हल्दी, फिर ये डाल देंगे एंड चावल, ठीक है ना। मुझे इसे काट के ना फ्राई करना है, मुझे फ्राई करने के लिए कुछ दे। वो मैं देती हूँ, शैलो फ्राई यू वांट? शैलो शैलो शैलो, आई विल गिव यू। देखिए ठीक है ना? हाँ बिल्कुल सही है। ओके ये क्या कर रही है? काट रही हूँ और फिर इसे ना अपने पाम से मैं चपटा करूंगी ऐसे, देख हथेली से थोड़ा सा। ओ अच्छा, फिर शैलो फ्राई करूंगी। तो थोड़ा तेल चाहिए हाथों में। अच्छा ये जीरा तो हो गया भाई, तो मैं इसमें ये डालती हूँ। ये हुई है अब एक्टिविटी कुछ। ओह क्या खुशबू आई है लहसुन की भाई साहब, एकदम। मुझे इसमें थोड़ा तेल दे दे साक्षी। कितना वो शैलो फ्राई? हाँ शैलो फ्राई के लिए बस थोड़ा सा। ये गरम होता है तब तक फटाफट चावल चढ़ा दे। स्लो पे रख बेटा। देखिए तेल गरम हो गया है, शुरू करते हैं। या लेट्स स्टार्ट। मुझे एक बात बताओ, फेस्टिवल्स कैसे रहते हैं वहाँ पे? घर पे करना पड़ता है सब कुछ, लेकिन इतना नहीं क्योंकि वहाँ पे फायर हैजर्ड, इसलिए दिए नहीं जला सकते दिवाली पर। तो खूब सारी लाइटें लगा के दी हैं मुझे मेरे पति ने। और वो हम लोग क्रिसमस तक रखते हैं क्योंकि अक्टूबर से शुरू करके वी कीप इट ऑल थ्रू क्रिसमस। सो नाइस। लेकिन तुम मुझे इतने सारे फोटोज भेजती है, तुम लोग कितनी एक्टिविटीज करते हो? कभी वो स्नोमैन बना रहे होते हो, कभी वो क्या तुमने ब्रेड के वो क्या बनाए थे? फोटो भेजी मैंने, जिंजर ब्रेड मैन, जिंजर ब्रेड हाउस बनाया मैंने पूरा। हाउस बनाया हाँ। अब हम मम्मीज ने सब मिलके, क्योंकि इतनी बर्फ पड़ रही थी उस दिन, हम बच्चों के साथ क्या करें, अब हम बर्फ में भी निकलते हैं बाहर। तो हम सब जिंजर ब्रेड के वो किट्स लेकर आए। अब उसमें क्या है, वो जो जिंजर ब्रेड का जो साइड्स होते हैं वो सब रेडीमेड मिलते हैं लकीली। ओके मुझे लग रहा था बेक वेक करना पड़ेगा, आई वाज वेरी एक्साइटेड। तो मेरी जो सारी अमेरिकन मॉम्स हैं बोलती हैं ये सब तो बना हुआ है, कितना बोरिंग है, हम तो सब शुरू से करते हैं इंडिया में। फिर उसको डेकोरेट बच्चे करते हैं खाते खाते सारे जेम्स और वो सारे जो M&M's वगैरह हैं। इसलिए मेरे लिए ये बहुत स्पेशल है कि मैं ये सब शुरू से बना रही हूँ। एक्चुअली दैट्स द होल आइडिया ऑफ दिस प्रोजेक्ट यू नो, कि ये सारी चीजें जो भूलते जा रहे हैं, इट्स अ नाइस वे टू रिवाइव एवरीथिंग। यस आई एग्री एंड आई एम सो हैप्पी कि तू अपनी बेटी के साथ ये सब कर रही है श्वेता, इतने दूर रह के। मतलब मुझे इतना अरसा लग गया ये समझने में कि मुझे इन सब चीज़ों को फिर से सहेज के रखना चाहिए, बट यू ऑलरेडी डूइंग इट, इट्स सो ब्यूटिफुल, सो प्राउड ऑफ यू। चलिए जो आधे पक गए हैं ना ये निकाल देते हैं। ये निकालेंगे इसे हम फिर से स्कॉश करके थोड़ा सा, फिर से स्कूश करके थोड़ा सा, देख। ओह अच्छा लाइक दैट। देख ये अभी रेडी है डालने के लिए फिर से। अभी जब थोड़े पतले हो जाते हैं ना तो ज्यादा क्रंची एकदम क्रिस्पी हो जाएंगे जब सेकंड टाइम डालेंगे ना हम। देखिए कुछ साइड से दिख रहे हैं ब्राउन हो रहे हैं। हाँ, थोड़ा एक पलट के देख, एक को ब्राउन हो रहा है, ये कलर चाहिए ये जो है ना, ये वाला ना।
इसको निकालूं क्या मैं? हाँ ये निकाल ले, ये मस्त हो गए, ये छोटा वाला निकाल ले। पता है मुझे क्या याद आ रहा था आज सुबह? याद है शूट पे सूची, तू और मैं, हम लोग फ्री टाइम में कभी कभी गाने गाते थे और एक बार अली किरण और वो सब ताली बजा रहे थे और हम ये वाला गाना मस्त कर रहे थे, याद है? तो मैं वही सोच रही थी आज, मुझे वो कहानी याद आई जिसमें झूले लाल का नाम झूले लाल क्यों पड़ा, बिकॉज वो झूला झूलते हैं इसीलिए। इट वाज सो फैसिनेटिंग यार, पता है वो, वेरी गुड। लेकिन उनके और भी बहुत सारे नाम है। रियली? उदय चंद, क्योंकि वो राइजिंग मून की तरह अंधेरे को दूर करते हैं। ओ, मतलब उगते हुए चांद की तरह। बिल्कुल। और अमर लाल, क्योंकि वो हमारे लिए हमेशा अमर है। हाँ। और उडेरू लाल, आई नो दिस वन, वो पानी के अंदर या पानी के पास उनका जन्म हुआ था इसलिए उडेरू लाल। करेक्ट। हाँ। और घोड़े वारो, ओके, क्योंकि वो घोड़ी पर भी सवार करते हैं। वन सेकेंड, यू सेड कि वो हिलसा मछली उनका ऑफिशियल वाहन है। पानी में, जब पानी से बाहर आएंगे तो घोड़े पर बैठेंगे ना। ओके, अब मैं ये चावल निकाल लेती हूँ और मैं ये अरबी निकाल लेती हूँ, तुझसे मसाले लूंगी मैं। सुन, तू अगर मसाले लेने वाली है तो तू यहाँ आ जा और मैं चावल वहां निकाल लेती हूँ, है ना? इजी फॉर यू? हाँ हाँ, डोंट वरी। ओ हो हो, अरे हाँ, अच्छा हुआ ये खोला, मैं भूल गई इसमें नींबू डालना था यार। रब, अमचूर इज अ मस्ट। ओह क्या चावल बने भाई। थोड़ी सी हल्दी, आजकल मैं सब कुछ हर चीज में डालती हूँ हल्दी। मुझे तो खुद ही हल्दी बहुत पसंद है यार। ब्लैक पेपर? हाँ वो उसमें है ना, वो ब्लैक वाला फ्रेशली ग्राउंड। हाँ नाइस। आई थिंक अब हमें फटाफट ये चीजें सजा लेनी चाहिए टेबल पे। व्हाट आई विल क्विकली डू इज कि मैंने ये लहसुन थोड़े से तैयार करके रखे थे, इसको इस पे डाल देते हैं ना। क्रंची गार्लिक। तुझे थोड़ा सा और रुकना पड़ेगा बिकॉज मुझे इसकी ना फोटो लेके मम्मा को भेजनी है। मुझे भी भेजनी है। ओके, सिंधी खाना तो मैं ले लेती हूँ। हाँ बिल्कुल। एंड फिर मैं तुझे भेज दूंगी, तुम मॉम को भेज देना, अपनी अपनी मॉम को भेज देंगे, है ना? ये मैं रख रही हूँ टेबल पे। आई गेट सम प्लेट्स, तू जा। ये प्लेट और मैं फटाफट जूस लेके आती हूँ। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल जूस से पेट नहीं भरना, बैठ। श्योर? खाना खा। ओके ओके ओके, चलो जी आप शुरू करें मैडम। गो फॉर इट। मैं तो ये, आई वांट टू स्टार्ट विद दिस, आई बीन डाइंग टू ईट दिस एंड आई वांट टू हैव द चावल। ये इतना स्वादिष्ट है ना, बहुत टेस्टी है यार ये तो। एंड आई होप ये सब्जी भी अच्छी बनी हो। How is it? यार मखाना भी डाला है। मखाना डाला है मैंने इसमें, काजू का थोड़ा सा पेस्ट डाला है। बहुत अच्छा बना है साक्षी। श्वेता। चल भी। Why not? हो लाल मेरी, हो लाल मेरी, हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, सिंदरी दा सेवन दा सखी शाह मस्त कलंदर, दमा दम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, दमा दम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, हो लाल मेरे, हो लाल मेरे।